ओम शांति। आज की तारीख है 25/9/22 और आज हम सुनेंगे प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्त धारी अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली 24/9/92 की यानी 92 की। और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है सत्य और असत्य का विशेष अंतर। तो मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा बोले, आज दिलाराम बाप अपने सर्व बच्चों के दिल की आश पूर्ण करने के लिए मिलन मनाने आए हैं। अव्यक्त रूप में तो सदा सर्व बच्चे मिलन मनाते ही रहते हैं, फिर भी व्यक्त शरीर द्वारा अव्यक्त मिलन मनाने की शुभ आशा रखते हैं। इसलिए बाप को भी अव्यक्त से व्यक्त में आना पड़ता है। बाप दादा इस समय चारों ओर देश विदेश के बच्चों को देख रहे हैं, मन से मधुबन में हैं। आप साकार में हो और अनेक बच्चे अव्यक्त रूप से मिलन मना रहे हैं। बाप दादा भी सर्व बच्चों की स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं जहां भी हैं, लेकिन याद के द्वारा बाप के समीप दिल में है। सुना सभी ने, सब बाबा के समीप है और दिल में है। सबके स्नेह के सास बाप दादा सुन रहे हैं। बाप जानते हैं कि बच्चों के लिए सिवाय बाप के और कोई याद करने वाला नहीं है, और बाप को भी सिवाय बच्चों के और कोई है नहीं। सदा इस ही स्मृति में रहते हैं कि मैं बाबा का और बाबा मेरा। यही स्मृति सहज भी है और समर्थ बनाने वाली भी है। ऐसा स्मृति स्वरूप स्नेही बच्चा साकार में तो क्या, लेकिन स्वप्न में भी कभी असमर्थ हो नहीं सकता। असमर्थ होना अर्थात मेरा बाबा के बजाय कोई और मेरापन आता है, एक मेरा बाबा, ये है मिलन मनाना। अगर एक के बजाय दो मेरा हुआ तो क्या हो जाता, वो है मिलना और वो है जमेला। अच्छा, मीठे मीठे बाप दादा याद प्यार देते हुए बोले, चारों ओर के यथार्थ सत्य को परखने वाले सच्चे बाप के सच्चे बच्चों को सर्व स्नेह में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं को सर्व सदा वायदे को निभाने वाली समर्थ आत्माओं को सर्व यथार्थ परखने वाली शक्तिशाली आत्माओं को सर्व याद और सेवा में निर्विघ्न रहने वाले सदा साथ और समीप रहने वाले बच्चों को क्या याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी सुनेंगे वरदान सतगुरु बाबा से, परखने की शक्ति द्वारा कुसंग व व्यर्थ संग से बचने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि कई बच्चे कुसंग अर्थात बुरे संग से तो बच जाते हैं,
लेकिन व्यर्थ संग से प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि व्यर्थ बातें रमणीक और बाहर से आकर्षित करने वाली होती हैं। इसलिए बाप दादा की शिक्षा है, न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ बोलो और न व्यर्थ देखो और ना ही व्यर्थ सोचो। ऐसे शक्तिशाली बनो जो बाप के सिवाय और कोई भी संग का रंग प्रभावित न करे। परखने की शक्ति द्वारा खराब व व्यर्थ संग को पहले से ही परख कर परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे शक्तिशाली आत्मा। स्लोगन है, सदा हल्केपन का अनुभव करना है तो बालक और मालिकपन के बैलेंस को रखो। अच्छा, ओम शांति।